हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉमन टॉपिक फॉर क्लास 8, 9 एंड 10, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ये सब क्लासेस में, चाहे वो 8th क्लास हो, चाहे 9th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो, काम आता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक में जैसे आप सामने देख ही रहे हैं कि इसका नाम जो है, या इस टॉपिक का जो बोल सकता टाइटल जो है, इम्पीचमेंट एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है। ये इसके बारे में डिस्कस हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये पार्लियामेंट के बेसिस पे, या बोले हम लोग हमारी संसद के बेस पे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इम्पीचमेंट एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है। इम्पीचमेंट मोशन एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, या हम बोलें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इम्पीचमेंट का मीन्स होता है महाभियोग और नॉन कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि लाइक इनके बीच में कौन कितने डिफरेंस हैं, या कौन कौन से डिफरेंस हैं, और उन डिफरेंस के बिहाव पे हम बात करेंगे किस किस को, या कौन सी पोस्ट पे, जो लाइक अलग अलग जो बड़े बड़ी पोस्ट होती है, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इसके अलावा सीएम हो गए, या कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, उनको कैसे या किस बिहाव पे उनको रिमूव किया जाता है, या क्या प्रोसेस होती है, वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब इम्पीचमेंट एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग, और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन मीन्स होता है अविश्वास प्रस्ताव। तो देखो फर्स्ट इसमें जो डिफरेंस है, पहली चीज़ तो हम लोग बात करते हैं कि इनमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। इनमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या हमारी पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, वो है इनके सेक्शंस। ठीक है, इम्पीचमेंट मोशन के अंदर जो सेक्शन हमारे अप्लाई होता है या जो यूज किया जाता है सेक्शन, वो होता है सेक्शन 89। उसमें भी फिर कैटेगरीज डिवाइड की गई कर दी गई है, सेक्शन 89(1), 89(2). ठीक है, इस तरीके से। वैसे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में जो सेक्शन हमारे यूज आता है, या हम लोग बोल सकते हैं हमारे को देखने को मिलता है, वो सेक्शन है 102। उसमें 102 में कैटेगरी डिवाइड है 102 फर्स्ट, 102 सेकेंड। ठीक है, तो इसी के बेस्ड हम लोग इसके बीच में डिफ्रेंशिएट देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या इसमें अंतर है। पहले देखते हैं हम इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट इज द एस जिसको बोलते हैं सेक्शन 89 प्रोसीजर विच इज रिक्वायर्ड अ सीरियस वायलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सीरियस मिसकंडक्ट और इनहेबिलिटी एंड टू परफॉर्म ऑफिस एंड एड 2/3 वोट इन नेशनल असेंबली दैट रिमूव्स द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच अ मूव कैन बी सीन इन सेक्शन 89(2). तो मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्पेशली प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, और प्रेसिडेंट के लिए क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज इसमें क्या बात हो रही है, इम्पीचमेंट के लिए। तो इसमें क्या बोला गया है कि फर्स्ट हमारा जो लाइन है, अगर हम लोग बात करें सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या बताया गया, ये कब अप्लाई किया जाता है, जब कोई भी प्रेसिडेंट कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काफ़ी बोल सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है, या फिर बाद में कोई ऐसा स्टेप लेता है जो कि लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गलत है, या हम बात करें कि उसके जो कार्यालय, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियल जो टाइम है या ऑफिशियल वर्क जो है, उसमें जो है उसका जो है प्रदर्शन, या बोल सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो, मतलब कहने में उसमें इनेबल हो। ठीक है, इसके साथ साथ राष्ट्रीय असेंबली या बोल सकते हैं नेशनल असेंबली जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें 2/3 जो वोट देके या बोल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है, मतलब मेजोरिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, 2/3 जो वोटिंग होके, उससे क्या होगा कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल या उसका जो टाइम पीरियड है उससे पहले ही उसे हटा दिया जाएगा उसके प्लेस से या उसके जगह से। ओके, उसके बाद ये चीज जो हमारे को देखने को मिलेगी वो हमारे को कहाँ देखने को मिलेगी, सेक्शन 89(2) के अंदर। वहीं पे हम लोग बात करें नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर, दिस इज कंस्ट्रक्टेड टू अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अंडर द सेक्शन 102(2) दैट हैज नो स्पेसिफिक ग्राउंड एंड द नीड्स अ सिंपल मेजोरिटी वोट इन द फेवर लीडिंग टू फोर्सेस रेजिग्नेशन। तो इसमें क्या बोला बताया गया सेकेंड वाले में,
वहीं पे जिस चीज का पॉजिटिव देखें कि अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट को हटाना है या पर्टिकुलर हम बात करें किसी को भी रूम रिमूव करना है तो उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन नहीं है, मतलब कोई कारण नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेजोरिटी होनी चाहिए और मेजोरिटी कितनी बोलती है 2/3। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे सामने में जो भी है चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे कैबिनेट मिनिस्टर, उनको फोर्स किया जा सकता है रेजिग्नेशन देने के लिए, मतलब त्याग देने के लिए या पोस्ट लीव करने के लिए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। तो हमारा जो सेक्शन 102 है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है वो एक सिर्फ वोट, सिर्फ वोटिंग बोल सकते हैं, लाइक जो पैटर्न है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं मेजोरिटी जो है उसी के बेसिस पे उनको हटाया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग वापस हमारे इम्पीचमेंट मोशन पे। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट है द नेशनल असेंबली बाय द रिजोल्यूशन अडॉप्टेड विद अ सपोर्टिंग वोट ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स मेंबर मे रिमूव द प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि अगर नेशनल असेंबली चाहे तो नेशनल असेंबली कितने मेंबर्स 2/3, मतलब 2/3 मेंबर्स क्या होने चाहिए उसके सपोर्ट में होने चाहिए। किसके सपोर्ट में होने चाहिए, उस जो भी लाइक प्रपोजल रखा गया है जैसे फॉर एग्जांपल रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट को, उसके सपोर्ट में होने चाहिए, तब जाके क्या होगा राष्ट्रपति को उसके पद से या उसके जो पोस्ट से जो है हटाया जा सकता है। ठीक है, वहीं पर उसके हम लोग चले जाते हैं मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस में। तो उसमें क्या होगा कि अगर असेंबली, मतलब कहने का मीन्स फर्स्ट पॉइंट जो बात कर रहे हैं उसमें, इफ द नेशनल असेंबली बाय अ वोट सपोर्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर पासेस अ मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इन द कैबिनेट एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडेंट मस्ट रिकॉन्स्टिट्यूट द कैबिनेट। अब उसमें उसके अगेंस्ट क्या बोला गया दूसरी जगह कि यदि नेशनल असेंबली चाहे या चाहती है तो अपने सदस्यों के बहुमत, बहुमत बोले तो हम मेजोरिटी, तो अगर उसको वो मिल जाती है तो उसके बेसिस पे क्या होगा उसको कैबिनेट छोड़ के, कैबिनेट छोड़ के मतलब कहने मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात हो रही है, तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव क्या करेगा पारित हो जाएगा, मतलब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे क्या होगा राष्ट्रपति को जो कैबिनेट्स हैं या कैबिनेट जो बोलते हैं हम लोग मिनिस्टर्स, उनके ग्रुप को वापस क्या करना पड़ेगा रिफॉर्म करना पड़ेगा या बोल सकते हैं वापस असेंबल करना पड़ेगा। कहने में ये हो गया कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को वापस क्या अपॉइंट करना पड़ेगा राष्ट्रपति को, अगर वो किसके अगेंस्ट होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स के अगेंस्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो कि ए है किसके अंदर इम्पीचमेंट में, अ सीरियस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ। अब इसमें बताया गया कौन कौन सी चीजें जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। पहली चीज तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कोई ऐसी थिंग या ऐसी कोई चीज जिसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होती है। जैसे बात करें हम लोग कोई ऐसी सीरियस बोलते हैं ना थिंग्स जो कि लाइक प्रेसिडेंट ने की है और किसके अगेंस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अगेंस्ट है। दूसरा हम लोग बात करें सीरियस मिसकंडक्ट, सीरियस मिसकंडक्ट मतलब कोई गलत बिहेवियर, मिस बिहेवियर बोल सकते हैं हम लोग, गलत बोल सकते हैं एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। फिर सी इनएबिलिटी टू परफॉर्म एंड फंक्शन ऑफ ऑफिस। दूसरा लास्ट जो है सी जो बताया गया है वो क्या बताया गया है कि जो ऑफिस मतलब जो उसका काम जो दिया गया है या उसे जो बताया गया है उसमें क्या होना लाइक अनसक्सेस होना। और सेकेंड पॉइंट इसी के बेसिस पे एनी वन हु हैज बीन रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन द टर्म्स ऑफ सबसेक्शन फर्स्ट ए और बी मे नॉट रिसीव एनी बेनिफिट्स ऑफ दैट ऑफिस एंड मे नॉट सर्व इन एनी पब्लिक प्रॉफिट। अब इसमें मतलब क्या मीन्स है इसका, अब ये सबसे बड़ा लॉस है हम लोग अगर बात करें इम्पीचमेंट मोशन अगर किसी प्रेसिडेंट पे अप्लाई होता है या उसके थ्रू हटाया जाता है प्रेसिडेंट को, तो ये सबसे माइनस पॉइंट है उसके लिए। ठीक है, मतलब जो प्रेसिडेंट है उसके लिए। तो इसमें क्या बोला गया है जो भी मतलब इस तरह के बोलते हैं सीरियस बिहेवियर में पाया जाता है या उसको बोल सकते हैं सीरियस ऐसा कोई एक्ट करता है तो उसके बेसिस पे क्या होगा कि उसे, इसकी बात हो रही है यहाँ पे उस पर्सन की जो कि लाइक नेशनल असेंबली के अकॉर्डिंग जिसे रिमूव किया गया या नेशनल असेंबली ने रिमूव किया है। तो इसमें क्या बोला है कि उसको पहली चीज तो ये कि अगर किस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो सब सेक्शन है मतलब हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 89 और सेक्शन 102, अब 89 जो सेक्शन है जो सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें भी सब सेक्शन मतलब जैसे बोल सकते हैं हम लोग लाइक इसमें भी सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। तो उस सब सेक्शन में फर्स्ट है फर्स्ट ए या 1A बोल सकते हैं और दूसरा बी, तो उसमें क्या बताया गया है कि क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट किया गया है। इसके तहत अगर हम लोग बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग बात करें हम लोग
तो उसे जो भी ऑफिस से हटाया जाएगा या रिमूव किया जाएगा तो उससे ऑफिस या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब जो भी फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है। फिर उसके आगे बात करें, वहीं पे दूसरी चीज बात करें कि जो भी उसकी पब्लिक ऑफिस था या बात करें पब्लिक के लिए जो काम किया जाता था वो सारी चीजें भी क्या होगी उसके लिए एक तरह से डिक्लाइन हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। अब आते हैं हमारे मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पे। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके थे, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। इफ द नेशनल असेंबली बाय अ वोट सपोर्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर पास अ मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इन द प्रेसिडेंट एंड द अदर मेंबर्स ऑफ कैबिनेट एंड द डिप्टी मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। तो इसमें क्या बोला है, अगर नेशनल असेंबली अगर ये अविश्वास प्रस्ताव या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है किसके समर्थन में या किसके सपोर्ट में, मेजोरिटी, ठीक है, और उसी बेसिस पे क्या होगा, जो हमारे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट जो हैं और कैबिनेट जो हैं उन सभी को अविश्वास प्रस्ताव मतलब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बिहाफ पे क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा और किसी भी उपमंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने में से हो गया कि उस टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर प्लस प्रेसिडेंट दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा या बोल सकते हैं रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं इसी में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में, पार्लियामेंट हैज डेडिकेटेड अ सेक्शन ऑन इट्स वेबसाइट टू एक्सप्लेनिंग द की डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्शन। अब पार्लियामेंट ने क्या कर रखा है कि इस चीज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट बोल सकते हैं, उस चीज पे सारा मेंशन किया हुआ है। तो आगे देखते हैं इसमें कंटिन्यू। फास्ट फैक्ट मतलब हम लोग इसी को आगे से एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस कैसे कैसे हटाया जा सकता है। पहले चीज हम लोग बात करें तो मेन हमारे पास दो सेक्शन है, कौन कौन से, एक तो सेक्शन 89, दूसरा सेक्शन 102, ठीक है। इसी के बेसिस पे बात करते हैं हम लोग। दोनों में ही क्या होता है, लाइक प्रेसिडेंट हो चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, तो दोनों में ही क्या हो सकता है, हम लोग रिमूव करने में, तो कहने मीन्स ये दोनों ही किस लिए काम आते हैं, किसी को ऑफिस से रिमूव करना या उसके बोल सकते हैं पोस्ट से रिमूव करना हो तो, स्पेशली किसी से मतलब प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, द वोटिंग ऑफ देयर सॉल्ट्स आर प्रिस्क्राइब इन द ईच ऑफ टू प्रोविजंस, ठीक है। मतलब कहने मीन्स ये हो गया, अगर हम लोग बात करें इसके लिए किस चीज के लिए कि या जो हम लोग बात कर रहे हैं इम्पीचमेंट में मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, तो उसी के बेसिस में यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम लोग दोनों ही चीज के लिए देखें तो ये सारी दोनों ही चीजें किस चीज के लिए होता है, ऑफिस या किसी भी पोस्ट से हटाने के लिए, ठीक है। वहीं पे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, सॉरी सेकंड पॉइंट, सेक्शन 89 डील्स ओनली द विद द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट वेयर एज द सेक्शन 101 डील्स विद द रिमूवल द कैबिनेट एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडेंट एंड 102 सेकंड डील्स विद द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कहना मीन्स ये 89 में क्या होगा, सिर्फ सेक्शन जो 89 है उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, और वहीं पे दूसरी तरफ हम लोग बात करें 102 का जो फर्स्ट जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कैबिनेट मिनिस्टर को रिमूव किया जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, और 102 जो है 102 का सेकेंड जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो किसको रिमूव किया जाएगा, प्रेसिडेंट भी साथ में रिमूव हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट है। फिर आता है थर्ड पॉइंट पे, इफ द वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इज ओनली अगेंस्ट कैबिनेट इन द टर्म्स 102 फर्स्ट द प्रेसिडेंट डायरेक्टेड टू रिकॉन्स्टिट्यूट द कैबिनेट। अगर किसी कंडीशन में फर्स्ट वाला जो सेक्शन है मतलब 101 जो है अगर वो पास होता है या किसी के अगेंस्ट होता है, कैबिनेट मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, पूरे कैबिनेट को डिसमिस करके और नया कैबिनेट बनाएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इफ द वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इन द टर्म्स ऑफ 102 मतलब सेकेंड वाला पार्ट किसका, 102 का, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट एंड अदर मेंबर्स ऑफ कैबिनेट आर डायरेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजाइन। मतलब प्रेसिडेंट को भी रिजाइन देना पड़ेगा, डिप्टी प्रेसिडेंट को भी रिजाइन देना पड़ेगा और दूसरे जो मेंबर्स हैं मतलब स्पेशली कैबिनेट के, उन सबको भी क्या करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। इफ द प्रेसिडेंट रिमूव इन द टर्म ऑफ सेक्शन, अगर प्रेसिडेंट 89 सेक्शन का फर्स्ट ए एंड बी के अकॉर्डिंग उसे रिमूव किया जाता है या वो पोस्ट से हटता है तो उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेंगे ऑफिशियल्स, और ना ही उसे किसी भी पब्लिक ऑफिस में सर्व किया जाए मतलब कोई भी सर्विस मिलेगी, ठीक है। एंड लास्ट वन, देयरफॉर इन द टर्म्स 89(2) एंड एनी प्रेसिडेंट हु हैड बीन रिमूव फ्रॉम द ऑफिस कैन नेवर वर्क फॉर द गवर्नमेंट अगेन। अगर सेक्शन 89, तो स्टूडेंट जो सेक्शन 89(2) है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि अगर प्रेसिडेंट इस सेक्शन कौन सा 89(2)
उसके अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है या प्रेसिडेंट को हटाया जाता है उसके पोस्ट से, तो उस बेसिस पे क्या होगा वो आने वाले टाइम पे, मतलब इन फ्यूचर कभी भी जो है गवर्नमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर पाएगा या वो वापस प्रेसिडेंट नहीं बन सकेगा। इसी बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि सेक्शन 102 जो है वो हम लोग किस बेसिस पे काम लेते हैं, एज ए किसी को रेजिग्नेशन दिलाना हो या किसी को उसके पोस्ट से हटाना हो, ठीक है। मतलब कहने मीन्स अगर उसको पोस्ट से हटाना हो या रिमूव करना हो, या उसको बोल सकते हैं ना लाइक उसके ऑफिस से हटाना हो, टेन्योर जिसको बोलते हैं कार्यकाल, तो रेजिग्नेशन के बेसिस पे हम लोग सेक्शन 102 को काम में लेते हैं। लेकिन वहीं पे हम लोग बात करें सेक्शन 89 जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अलग अलग बेसिस जो है, या बोल सकते हैं कारण जिसको बोल सकते हैं, जिसके पीछे रीजन हम लोग अगर लें बात, तो वो रीजन चाहिए होता है, और वो रीजन अगर है पर्टिकुलर हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, तो हम लोग उस को इम्पीचमेंट में काउंट करेंगे। अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, सिर्फ हमारे को चाहता, हम चाहते हैं कि सामने वाला या प्रेसिडेंट वॉट एवर जो भी है, प्रेसिडेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अगर वो सही काम नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे को हटाना है, रिमूव करना है, वी डोंट हैव एनी रीजन, तो हम लोग सेक्शन 102 क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। वहीं पे इम्पीचमेंट की बात करें तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, इस पर्टिकुलर रीजन होगा, कारण होगा कि किस बेसिस पे हम उसे रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा फर्क है सेक्शन 89 या बोले हम लोग इम्पीचमेंट, या सेक्शन 102 या हम लोग बोले नॉन कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो दोनों में सिर्फ अगर मेनली हम लोग डिफरेंस देखें, क्या डिफरेंस है कि हमारे को सेक्शन या फिर इम्पीचमेंट जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 89 में क्या होना चाहिए, हमारे पास पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए। वहीं पे हम लोग 102 सेक्शन की बात करें, मतलब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, तो उस बेसिस पे हमारे पास कोई एग्जैक्ट या स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होना चाहिए, हम लोग बिना रीजन के भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में क्या चाहिए होती है, मेजोरिटी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब मेजोरिटी होगी तो ही क्या होगा पॉसिबल कि लाइक उस चीज को अप्लाई किया जा सकेगा या हो सकता है उस चीज को रिमूव किया जाएगा। तो स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।